सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 17 नंबर का लेसन है जिसका नाम है कीचड़ की बौछार। उस लेसन का आशय हमने कल की तासिका में देखा था। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 17 नंबर का लेसन है उसके सवाल जवाब। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अपने अपने जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो सुलझाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो यहाँ पर आप क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमें यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले कैसे लिखेंगे। ठीक है, बाजार में किसकी दुकान थी, पहला हमारा सवाल है बाजार में किसकी दुकान थी। तो हमने ये लेसन देखा है, हमको पता है कि इसका आंसर क्या है, बाजार में दर्जी की दुकान थी, बाजार में दर्जी की दुकान थी। ओके, उसके बाद दोपहर में बाजार से कौन निकलता था, दोपहर में बाजार से हाथी निकलता था। ओके, ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद तीसरा सवाल, दर्जी हाथी को खाना दिया करता था, कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया करता था, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, और खाना दिया करता था ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, दर्जी के बेटे ने हाथी के साथ किस प्रकार दुष्टता की। तो यहाँ पर दर्जी के बेटे ने हाथी के सूंड में सुई चुभाई, ये आपको लिखना है। उसके बाद अगला सवाल, हाथी ने सूंड में कीचड़ भरकर क्या किया। तो हाथी ने सूंड में कीचड़ भरकर उसकी दुकान में बौछार कर दी। ओके, उसे सब जगह पर फैला दिया, उसकी बारिश दुकान में कर दी। ओके, और अंतिम सवाल, दर्जी ने बेटे को क्या समझाया। तो ये समझाया कि किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, किसी भी जीव को कभी हमें सताना नहीं चाहिए। ओके, ऐसे दर्जी ने अपने बेटे को समझाया। ओके, तो पहले से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बाजार में किसकी दुकान थी, बाजार में दर्जी की दुकान थी। दोपहर में बाजार से कौन निकलता था, दोपहर में बाजार से हाथी निकलता था। दर्जी हाथी को क्या दिया करता था, दर्जी हाथी को खाना दिया करता था। दर्जी के बेटे ने हाथी के साथ किस प्रकार दुष्टता की, दर्जी के बेटे ने हाथी के सूंड में सुई छुबाई। ओके, उसके बाद हाथी ने सूंड में कीचड़ भरकर क्या किया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, हाथी ने सूंड में कीचड़ भरकर उसकी दुकान में बौछार कर दी। उसके बाद दर्जी ने बेटे को क्या समझाया। तो यहाँ पर दर्जी ने अपने बेटे को समझाया कि किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये जो हमारे सवाल जवाब है, पहला जो सवाल है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बच्चों ध्यान से देखिए इसे, अगर आपका कुछ लिखना रह गया हो तो जल्दी से इसे वीडियो पॉज करके लिखिए, या ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, नीचे दिए गए गद्यांश की सूची को सहायता से भरिए। ओके, सूची की सहायता से भरिए। तो यहाँ पर इस लेसन में से कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं, तो इसके अगर यहाँ पर सूची दी गई है वो शब्द हमें यहाँ पर भरने हैं। ठीक है, उस देखिए पहला है, दर्जी ने बेटे से कहा, देखो बेटा हमारे शरीर में कांटा चुभता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा दूसरे
वैसी ही पीड़ा दूसरे जीवों को भी होती है, इसीलिए कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। बेटे ने भूल के लिए पिता से क्षमा मांगी, फिर उसने किसी भी जीव को नहीं सताया। ओके, फिर से एक बार देखेंगे यही सवाल। नीचे दिए गए गद्यांश को सूची की सहायता से भरिए। दर्जी ने बेटे से कहा, देखो बेटा, हमारे शरीर में कांटा चुभता है तो हमें पीड़ा होती है, वैसी ही दूसरे जीवों को भी होती है, इसीलिए कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। बेटे ने भूल के लिए पिता से क्षमा मांगी, उसने फिर कभी किसी जीव को नहीं सताया। तो यहाँ पर पहले आएगा काटा, दूसरे पीड़ा, तीसरा जीवो, चौथा कष्ट, पांचवा क्षमा और अंतिम सताया। ओके, तो इसके साथ ही इस लेसन के जो इस पन्ने पर जो सवाल जवाब है वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे अगले हमारे जो सवाल जवाब है उन्हें, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे अगले सवाल और इन्हें अभी हम देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। हाथी पीड़ा से तिलमिला गया, उसने दुकान में कीचड़ की बौछार कर दी। एक दिन दर्जी के बेटे ने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी, वह तालाब से सूंड में कीचड़ भर लाया। दर्जी हाथी को प्रतिदिन खाने के लिए वस्तु दिया करता था, खाने की वस्तु दिया करता था। तो यहाँ पर आपको ऐसे सुलझाना है बेटा, बच्चों यहाँ पर देखिए, पहला आएगा दर्जी प्रतिदिन हाथी को प्रतिदिन खाने की वस्तु दिया करता था। दूसरा होगा एक दिन दर्जी के बेटे ने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। तीसरा होगा हाथी पीड़ा से तिलमिला गया। चौथा होगा वह तालाब से सूंड में कीचड़ भर कर लाया और उसने दुकान में कीचड़ की बौछार कर दी। तो इस प्रकार इसका सीक्वेंस होगा 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1। ओके, सो नंबरिंग इसे करके लो अभी इसी वक्त। ओके, सभी ने ये क्वेश्चन सुलझाया। अभी हम देखेंगे हमारा इस लेसन का जो अंतिम सवाल है वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उसमें से पहला सवाल, दर्जी की दुकान कहाँ थी? ऑप्शंस, बाजार के बीच में, सड़क के किनारे, नदी के पास। तो यहाँ पर हमें इस लेसन में बताया गया है कि दर्जी की दुकान बाजार के बीच में थी। ओके, उसके बाद आपको उसे सही का चिन्ह लगाना है और नंबर के ऑप्शन को। ओके, उसके बाद जो दूसरा हमारा सवाल है वो है, दर्जी के बेटे ने हाथी की सूंड में क्या चुभाया? पेंसिल, सुई, तीर। तो सुई चुभाई। ओके, उसके बाद हाथी ने सूंड में क्या भरा था? पानी, कीचड़, गोबर। तो हाथी ने सूंड में कीचड़ भरा था। कांटा चुभने पर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पीड़ा होती है, मज़ा आता है। तो पीड़ा होती है। देखिए, अगर आप कहीं पर जा रहे हो नंगे पैर तो आप लोग को अगर कांटा चुभता है तो बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही दर्द होता है उस जगह पर जहाँ पर आपको कांटा चुभा है। तो इसीलिए बच्चों हमें किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, उनको भी पीड़ा होती है। तो किसी भी अगर जीव को आप प्यार से रखेंगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा, अगर उसे आप दर्द देंगे, पीड़ा देंगे तो भी वो भी आपके साथ वैसा ही रहेगा। सो सभी बच्चे जो आपके आसपास जो जीव होते हैं, जीव
जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको कभी भी आपको सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी आपको केयर करनी चाहिए। जो भी उनको चाहिए होता है वो आपको देना चाहिए, खाने के लिए देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। कभी भी किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा इस लेसन का जो व्याकरण का भाग है वो, ठीक है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, यानी एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम पढ़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए यहाँ पर ये जो महीनों के नाम हैं वो आपको कभी भी पूछा जाए लिखने के लिए या बोलने के लिए, तो आपको ये बोलने आने चाहिए, आपको ये याद रहने चाहिए, ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट वन इज़ दिसंबर, ओके। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो कीचड़ की बौछार लेसन था उसके सवाल जवाब हमने देखे, उसके नीचे का जो ग्रामर का भाग है वो भी हमने अभी देखा है। सभी बच्चे इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो अच्छे से पढ़े और उन्हें याद रखे, और ये उस लेसन से ये सीख ले कि किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को हमें सताना नहीं चाहिए। जो दर्जी के बेटे ने किया वैसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि उन जीवों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये हमारा जो पाठ है वो ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।